तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद अभिनव देशमुख। तो आज हम देखने वाले हैं माय इंग्लिश बुक सिक्स का पोएम नंबर 4.7 प्ले बाय डे एंड नाइट। तो चलिए पोएम हम देखेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर पोएम नंबर 4.7 प्ले बाय डे एंड नाइट मतलब हमें दिन या फिर रात में क्या करना चाहिए तो खेलना चाहिए। ब्रिंग द हुप एंड ब्रिंग द बॉल कम विद हैप्पी फेस ऑल। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, लूप खूब पहना चाहिए या फिर बॉल लेना चाहिए। और हम सब लोग जब हम खेलने को आएंगे तभी हमें अपना मूड कैसा रखना है तो हैप्पी रखना है और अपने फेसेस को भी हैप्पी रखना है। लेट अस मेक अ मेरी रिंग टॉक एंड लाफ एंड डांस एंड सिंग। तो देखिए अब जब हम खेलेंगे तब हम क्या करेंगे तो एक मेरी रिंग बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे तो बातें करेंगे, हंसेंगे, डांस करेंगे और उसके साथ सिंगिंग भी करेंगे। क्विकली क्विकली कम अवे फॉर इट इज अ प्लेजेंट डे। तो देखिए जल्दी जल्दी आइए क्योंकि ये डे कैसा है तो प्लेजेंट है यानी खेलने के ये उचित ऐसा दिन है। गर्ल्स एंड बॉयज कम आउट टू प्ले द मून डज शाइन एज ब्राइट एज डे। तो देखिए लड़की या फिर लड़को दोनों क्या कहे तो खेलने के लिए बाहर आ जाओ क्योंकि जो मून है इसकी जो शाइन है वो इतने ही तेज है जितनी डे की है। लीव यूअर सुपर एंड लीव यूअर स्लीप एंड कम विथ योर प्ले फेलोज इन टू द स्ट्रीट। तो देखिए अपने जो सुपर है यानी अपना जो आलस है वो उसको बाजू में रख के, अपनी जो स्लीप है उसको भी बाजू में रख के आप फेलोज क्या पर क्या कहते हो खेलने पर आ जाओ। कहाँ पर? तो स्ट्रीट पे, आप इसलिए रोड पर आ जाओ। कम विथ अ वूप कम विथ अ कॉल कम विथ अ गुड विल और कम नॉट एट ऑल। तो देखिए हम वूप से आइए या फिर कम विथ अ कॉल और अपने अच्छे मन से अपने अच्छे दिल से यहाँ पर आइए। अगर आप ऐसा नहीं आ सकते तो आप कृपया आप नहीं आए, ऐसा ये प्ले बाय डे एंड नाइट इस कविता का मतलब है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।